साबूदाने की खिचड़ी तो आपने हर बार बनाई होगी व्रत में, लेकिन कभी आपने साबूदाने की सैंडविच बनाई है क्या? नहीं बनाई ना, तो आज मैं आपके लिए साबूदाने की सैंडविच, दही बड़ा और अप्पे की रेसिपी लेके आई हूँ, और साथ में एक चटपटी सी चटनी जो बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस वरुण किचन। सबसे पहले हम साबूदाना लेंगे। साबूदाने को हम पहले अच्छे से साफ कर लिया और इसको एक बार वॉश कर लेंगे। वॉश करने से क्या होगा, इसमें जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च होगा ना वो निकल जाएगा। साबूदाना हमें यही वाला लेना है जो व्हाइट व्हाइट दिखता है, मोती साबूदाना नहीं लेना, जो चमकता हुआ सा दिखता है लाइन वाइज साबूदाना वो हमें नहीं लेना है इस रेसिपी के लिए। हमें यही वरलक्ष्मी साबूदाना ही लेना है। तो देखिए इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। देखिए इसका हम जो वाइट वाइट पानी निकला है ना इसको हम अलग कर देंगे, इससे क्या इसमें जो चिपचिपापन होगा ना साबूदाने का वो निकल जाता है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको सोक करने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए। वैसे तो आधे घंटे में ये वाला साबूदाना हो जाता है बहुत जल्दी। तो देखिए ये अच्छे से सोक हो चुका है, देखिए मैश हो रहा है ना, तो ये अच्छे से सोक हो चुका है। और बहुत ज़्यादा जल्दी आपको करना है तो थोड़ा कुनकुना पानी डालिए, तो उससे क्या और भी जल्दी हो जाता है। तो देखिए साबूदाना तो अच्छे से सोक हो चुका है। तो अब हम साथ में हम 2 बॉयल किए हुए आलू लेंगे। तो 2 बॉयल किए हुए आलू को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे, बिल्कुल फाइन ग्रेट करना है क्योंकि हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहो तो इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा। तो देखिए हमने आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लिया है, और अब हम साथ में इसमें जो साबूदाना भी हमने रख करके रखा था ना सोक करके, वही साबूदाना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके साबूदाने में थोड़ा बहुत पानी है तो उसको अच्छे से निकाल दीजिए, उसके बाद हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो देखिए अब हम इसके अंदर 1/4 कप हमने मूंगफली ली थी उसको अच्छे से मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया, बस वही मूंगफली हमने इसके अंदर ऐड करी है। और 2 बारीक चॉप की हरी मिर्च ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। और साथ में हम बारीक चॉप किया हुआ धनिया ऐड करेंगे, धनिया को भी हमने बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। सारी चीज़ें हमें बिल्कुल फ्रेश लेनी है क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, तभी मतलब साबूदाने व्रत की सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बनेंगी। और आज हम वैसे ही कई सारी चीज़ें बनाने वाले हैं इसी से। और साथ में हम इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, और साथ में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अगर आप व्रत में बना रहे हैं तो आप इसमें व्रत वाला नमक ऐड कर दीजिए, अगर बिना व्रत के बना रहे हैं तो आप कोई भी नमक ऐड कर सकते हैं इसमें। तो देखिए इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए तो कि हद से बहुत अच्छे से मसल तो ही मिक्स करना है। तो देखिए अब इसकी मुट्ठियाँ बन रही है, मतलब इसका है कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखिए बाइंड हो रहा है ना, तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। और इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे जिससे कि इसके फ्लेवर आलू और साबूदाने में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको हम साइड कर देते हैं। तो जब तक हम इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसके साथ के लिए हम चटनी बना लेते हैं। और चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर जार लेंगे, और इसके अंदर अब हम धनिया ऐड करेंगे, और साथ ही 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे, और साथ ही हम 1/2 इंच अदरक ऐड करेंगे, और अब हम इसमें 4 काजू ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हम सेंधा नमक ऐड करेंगे इसमें, और थोड़ा सा हम नींबू ऐड करेंगे। अगर आपके व्रत में नींबू खाते हैं तो आप नींबू ऐड कर दीजिए, नहीं तो आप दही भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हमने सभी चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया, अब इसको फाइन ग्राइंड कर लेंगे। देखिए बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लिया, देखिए चटनी बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है ये। अब इसको हम साइड कर देते हैं। तो देखिए उतनी देर में साबूदाना और आलू का फ्लेवर सभी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको एक बार बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि देखिए साबूदाने ने और आलू ने सब चीज़ में पानी का मॉइस्चर बिल्कुल सोक कर लिया ना, तो वो थोड़ा हार्ड हो गया, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आज हम पैन में नहीं, तवे पे नहीं, एक छोटा सा अलग टाइप का एक पैन लिया है हमने। आप चाहो तो सैंडविच मेकर या सैंडविच टोस्टर या फिर फ्राई पैन में भी आप बना सकते हैं। तो देखिए इस पर हमने अच्छे से घी को स्प्रेड कर दिया है, और अब हम इसके ऊपर आलू जो बना के रखा था वही इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, बिल्कुल इवन करना है। और अब हम देखिए हमने ये होममेड पनीर स्लाइस लिया है, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या करेंगे, टमाटर बिल्कुल पतले पतले पीसेस में कट करते हुए टमाटर को हम लगा देंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे, और थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे, क्योंकि टमाटरों में अपना कोई नमक वगैरह नहीं डाला ना हमने, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसको पनीर स्लाइस को भी सेट कर देंगे, आप चाहो तो पनीर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसके ऊपर ये सेट कर दिया, और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे, और थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर, इसी के इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और जो अभी हमने चटनी बनाई थी ना उस चटनी को भी इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, इससे इसके अंदर टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा।
एक बार आप इस तरीके से बनाइए इसको, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर कैप्सिकम को भी लगा सकते हैं इस तरीके से। मैंने पास कैप्सिकम था तो इसलिए मैंने कैप्सिकम को भी इसमें लगा दिया है इस तरीके से। और ऊपर से फिर से हम आलू का मटेरियल, आलू और साबुदाने को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इसको। अब हाथों के हेल्प से अच्छे से करेंगे प्रेस करते हुए, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। देखिए इस तरीके से करना है, हमें बिल्कुल इवन सेट कर देना है, क्योंकि हमें सैंडविच बनाना है इसका, बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। और देखिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दिया इसके ऊपर, और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, एकदम इवन स्मूथ बन जाए। और अब हम इसे गैस के ऊपर रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है हमें इसको, और ऊपर से इसको कवर कर देंगे किसी भी चीज़ से। तो जब तक ये देखिए अब वो कुक हो रहा है लो फ्लेम पर, तो जो आलू का मैश बचा है ना, तो अब हम इसके अप्पे पैन में इसके अप्पे बनाएंगे और दही बड़े बनाएंगे। तो देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ, आप उस तरीके से देखिए। मैंने इसमें अच्छे से घी लगा दिया पूरे में, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर तिल स्प्रेड कर देंगे। इससे क्या है कि अप्पे देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और अब हम इस आलू को अच्छे से गोल गोल करते जाएंगे, और इस अप्पे पैन के अंदर सारे आलू को सेट कर देंगे, जिससे कि अच्छे से अप्पे बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए हमें इस तरीके से सेट कर देना है सभी को। देखिए ये भी अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। अभी हमने दोनों चीज़ों को गैस पे पहले नहीं रखा था, पूरा अच्छे से सेट कर लिया, उसके बाद हम गैस पे रखेंगे। इससे क्या है, इसमें कुकिंग बहुत अच्छे से होती है। और कुकिंग करते समय हमें ध्यान रखना है गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। देखिए उधर हमने अप्पे को अच्छे से कुक करने के लिए रख दिया, और उतनी देर में ये भी हल्का हल्का कुक हो चुका है। तो अब हम इसको टर्न कर देंगे, वन साइड से कुक हो चुका है, तो अब ये सेकंड साइड से भी अच्छे से कुक हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको टर्न कर दिया है, और इसको एक बार फिर से हम 10 मिनट के लिए कुक करने के लिए रख देंगे, और गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। तो देखिए उतनी ही देर में इधर अप्पे भी कुक हो चुके हैं एक साइड से, और इसको हम टर्न कर देंगे फोक की हेल्प से, जिससे कि ये अप्पे दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाए। अब हम फिर से इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो देखिए इधर अच्छे से ये भी कुक हो चुका है। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। देखिए सैंडविच बहुत अच्छा बनेगा इस तरीके से साबूदाने का, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से आज मैं चीज़ बना रही हूँ आपके लिए व्रत के लिए, क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी वगैरह खाते हुए आप सभी लोग बोर हो चुके हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट सैंडविच लेके आई हूँ, ना ब्रेड ना कुछ ना, आज हम साबूदाने से सैंडविच बनाई है हमने। तो देखिए ये दोनों अच्छे, ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से कुक हो गया है। और अब हम इसे सैंडविच की शेप में अच्छे से कट कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अभी ये गर्म है इसलिए साबूदाना है काफ़ी सॉफ्ट होता है, जैसे जैसे ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तो ये अच्छे से सेट होने लग जाएगा। देखिए इसमें फिलिंग कितनी प्रॉपर दिख रही है, रेड वाइट येलो, मतलब बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनके तैयार हुई है साबूदाने की। आपको आपको लगेगा ही नहीं कि व्रत में खाना, आप वैसे भी जब आपका मन करे तो आप इसको बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनके तैयार हुआ है व्रत का। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए कितना बढ़िया सैंडविच बना है ना, मन कर रहा है ना आपका खाने का, तो आप बिना व्रत के भी इस सैंडविच को आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनेगा इस तरीके से। तो देखिए सैंडविच तो हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब इसको हम साइड कर देते हैं। तो देखिए इधर अप्पे भी अच्छे से सिक चुके हैं, तो इस अप्पे पैन में से हम इसको निकाल लेंगे अप्पों को। देखिए हमने प्लेट में निकाल के रख दिए हैं अप्पे, और दूसरी प्लेट में हम दही बड़े बनाएंगे। तो अप्पों से ही आज हम दही बड़े बनाएंगे। मैं अप्पे निकाल दिए, और बाकी बड़ों को हमने इसके प्लेट में लगा दिया है। और देखिए अब हमने ये फिटा हुआ दही लिया है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा बूरा ऐड करेंगे, जिससे कि इसमें मिठास आ जाए। तो अब हम ये बड़ों के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे दही को, जैसे हम दही बड़े खाते हैं ना, सेम वैसे ही हमें इसके ऊपर दही डाल देना अच्छे से, देखिए इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर चटनी ऐड करेंगे, जो भी हमने चटनी बनाई थी ना हरी वाली, वही चटनी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। जितना आपको अच्छा लगता है आप उतना ऐड कर दीजिए, और साथ में हम इसमें खजूर की चटनी ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और भुना हुआ जीरा, काली मिर्ची, नमक ऐड करेंगे। तो देखिए व्रत वाले दही बड़े भी बनके तैयार हो चुके हैं हमारे, और आज मैंने अप्पे भी बना दिए हैं व्रत वाले। देखिए दोनों ही चीज़, मतलब हमने आधा कप साबूदाना और दो आलूओं से कितना सारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है व्रत का, बहुत ही टेस्टी है। जब आपका मन करे तब आप इसको बनाइए और व्रत में इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।